मेरे भाई। ए भाईजान, ए माशाल्लाह, कैसा है मेरा शेर? कितना वक्त गुजर गया, शुक्र है आपको देख लिया। शुक्र है अल्लाह का। कौन था हमले के पीछे? हमें सुराग नहीं मिल सका भाई। शिकार से खाली हाथ आ गए? ये शिकार है भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं हर उस दुश्मन का पता लगा कर रहूंगा जो हमारे खिलाफ जाल बुनते हैं, याद रखना। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। तो सौत पर हमला हुआ है? उस कमजोर निकोला ने अपनी तरफ से इंतकाम लिया है, उसको जहन्नुम में डालने का अहद किया है मैंने। जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे भाई, मदद करना चाहता हूं मैं। तुम्हारा कबीले में होना ही काफी है, तुम्हारी फिक्रें इन मसलों से बहुत बड़ी हैं। तुम्हारा भाई वापस जरूर आएगा, इस वक्त आराम करो तुम। क्या मतलब है इस बात का भाई, क्या आपकी मदद नहीं कर सकता मैं? जानता हूं कि तुम नहीं थके, थोड़ा मौका मुझे दो खुद को साबित करने का। सामने दुश्मन है, दुश्मन। ऐसे सुस्ती नहीं चलेगी, इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? उठो। हमला करो। अगर एक भी गिरा तो सब गिर जाएंगे। तुम सबके लिए लड़ोगे तो सब तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तुम हमेशा साबित कदम रहोगे, क्योंकि अगर तुम गिरे तो सब गिर जाएंगे। जल्दी करो। खुशामदीद हुजूर। सिपाही के लिए तजुर्बेकार होना जितना जरूरी है, उतनी मोहब्बत भी अहम है गुप्तों। जानते हो ऐसा किस लिए? जंग के लिए उस्मान साहब। नहीं, सिपा सालार के लिए। सिपाही को खौफ नहीं होना चाहिए, बल्कि सिपा सालार से प्यार होना चाहिए, ताकि जब सिपा सालार उनकी जान मांगे तो वो खुशी से शहीद हो जाए। ना तो ये मंगोलों की फौज है और ना ही अब तुम मंगोलों के जेर असर हो, ये याद रखो हमेशा। ठीक है उस्मान साहब, जो आपका हुक्म। मेरी फौज हमेशा शहादत से मोहब्बत करेगी। ये एक ऐसी फौज होगी जो पूरी दुनिया में इस्लामी निजाम का निफास करेगी।
उस्मान साहब,